दोस्तों, डिप्रेशन ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब का डिप्रेशन, गाइस ये टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। बहुत लोग बोलेंगे क्या यार, क्या टॉपिक लेकर के आए हो, लेकिन जिनको समझ में आ रहा उनको पता होगा कि गाइस हर एक यूट्यूबर्स का डिप्रेशन होता है और वो इस डिप्रेशन से बच नहीं पाते हैं। और गाइस यूट्यूबर्स का ही नहीं, इंडिया पे 70% 70 से लेकर 80% एडल्ट जो होते हैं ना, हमारे यंग जनरेशन, उनका डिप्रेशन होता ही है, चाहे कोई भी करियर में हो। गाइस मैं तो सबका दवाई नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर्स हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि एक यूट्यूबर्स अपना डिप्रेशन को यूट्यूब करियर में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने 4 सालों में अपना करियर जो है ना, यूट्यूब करियर को 4 बार डाउन किया है, ठीक है, और 4 बार मैंने डाउन किया है फिर मूव ऑन किया है। तो गाइस कैसे करके आप लोग भी अपना यूट्यूब करियर को मूव ऑन कर सकते हो अगर आप लोग एक डिप्रेशन लाइफ में जी रहे हो, तो चलिए बहुत मज़ेदार सवाल है। और सवाल नहीं है दोस्तों, ये मैंने अपने मन से ही इस वीडियो को लाया क्योंकि गाइज आज संडे था और हर बार मैं Q&A और लाइव स्ट्रीम तो करता ही रहता हूँ। चलिए आज थोड़ा हट के टॉपिक हो जाए, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कैसे इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये आखिर होता कैसे है डिप्रेशन, हर एक यूट्यूबर्स को डिप्रेशन होता क्यों है भैया, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले हमारे YT स्टूडियो में। अरे दोस्तों, आप लोग जानते हो बीच में मैंने 2 दिन वीडियो गैप कर दिया था। भाई 2 दिन, अगर आप लोग को जॉब पे वर्क करोगे ना, जॉब वहाँ पर अगर 2 दिन छोड़ दोगे ना, तो आप कंटिन्यू काम करोगे तो आपका मालिक माफ़ कर देगा कि चलो भाई 2 दिन नहीं आया तो चलो कोई दिक्कत नहीं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना भाई, अगर 2 दिन क्या, 1 दिन अगर गैप करोगे ना, ये आपको माफ़ नहीं करने वाला है। चलो आप दिखाता हूँ क्या होता है और कैसे डिप्रेशन हम लोग का यूट्यूबर्स का होता है। गाइज देखो, कल का जो वीडियो है ना, इसमें मेरा 2700 व्यूज़ आया, आपके सामने सब पूरा मेरा लाइव प्रूफ है। YT स्टूडियो कितना व्यूज़ आया भैया, 2700, ठीक है 2700। और कितने नंबर पे चल गया भाई, 7 नंबर पे मेरा वीडियो चल गया। क्यों, आखिर मैंने क्या गलती किया, ठीक है चलिए दिखाता हूँ। कॉन्टेंट पे जाता हूँ एंड देखो गाइज, सिर्फ मैंने 1 दिन वीडियो नहीं डाला, इससे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ आइए दिखाते हैं आप लोग को। गाइज मैं व्यूज़ का ग्राफ थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और अभी आप लोग को पता चलेगा कि आखिर क्या होता है। देखो गाइस कहाँ से कहाँ चल गया मेरा ग्राफ, खाली 1 दिन वीडियो ना डालने पर। देखिए ये मेरा कंटिन्यू ग्राफ है, ठीक है, जो व्यूज़ दिख रहा है ना, देखिए 11,000, 10,000, ठीक है यहाँ पर 8,000, ठीक है यहाँ पर 8,000, यहाँ पर 8,000, यहाँ पर 10,000, ठीक है यहाँ देखो डायरेक्ट, परसों खाली मैंने वीडियो नहीं डाला, डायरेक्ट 6,000 पे घुस गया ग्राफ डाउन। अब भैया यहाँ पर डिप्रेशन होता है यूट्यूबर्स को कब गाइज, तो वो होता है जब भी हमारा, जैसे कि कंटिन्यू मान लो कि हमें 500 रुपया मिल रहा है, ठीक है यूट्यूबर्स का नहीं, यहाँ पर मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी अदर फील्ड में मान लो डेली का आप 500 कमा रहे हो और आपका अचानक हो जाए कि कोई सप्ताह आप 100 रुपया कमाओ, गाइज वहीं से होता आपका डिप्रेशन स्टार्ट। मतलब जो हम लोग का दिमाग होता है ना, वो देखता कि अरे भैया 500 आ रहा, अरे भैया मेरा भी कल 500 आ रहा, उसके बाद अचानक 100 रुपये आता, भाई वहीं से माइंड थॉट बिगड़ने लगता है। ये सबका है अगर आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन गाइज ये यूट्यूबर्स का कब होता जानते हो, जब हमारा ग्राफ अप जाता है 10,000 10,000 10,000, भले ऊपर ना जाए लेकिन जो जा रहा वो जाए, अगर डाउन हुआ तो गाइज दिक्कत वहीं से होता और सब यूट्यूबर्स को होता। तो अब गाइज इसका दवाई क्या है, तो गाइज यूट्यूबर्स के लिए क्या दवाई है मैं बता देता हूँ। गाइज ये जो प्रॉब्लम है ना, ये व्यूज़ का, ये जितना भी आपका है गाइज, व्यूज़ का, आपका ग्राफ का, यूट्यूब का, अर्निंग का, गाइज हर एक यूट्यूबर्स का है, जो कि गाइज होता है, बड़े से बड़े क्रिएटर्स को प्रॉब्लम का सामना झेलना पड़ता है। अगर गाइज आप लोग को डिप्रेशन ख़त्म करना है, ठीक है अपना यूट्यूब करियर में, तो गाइज आप लोग को कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। और गाइज मेरा जो ये सीन आप लोगों ने देखा ना, खाली मैंने 1 दिन वीडियो नहीं डाला, मेरा डायरेक्ट वीडियो रैंक करना 1-2 नंबर पे रैंक होता है ना, मेरा वीडियो डायरेक्ट 7 नंबर पे रैंक कर दिया, मतलब गाइज रिच गिरा दिया, 1 दिन नहीं मैंने वीडियो डाला। तो गाइज ये होता है यूट्यूब का, मतलब भाई एक बोलते हैं ना कि मैंने बोला ना कि जॉब में जाओगे तो आपको माफ़ कर देगा, यूट्यूब माफ़ नहीं करेगा। गाइज देखो, सोशल मीडिया किसी का भी दुश्मन नहीं है। अगर गाइज आप लोग यहाँ पर अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप लोग को मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, डेली वीडियो डालो। अगर सौरभ जोशी भाई भी है ना, तो वो भी डेली क्यों मेहनत करते हैं, डेली क्यों वीडियो डालते हैं, उनका वीडियो देखना आप लोग, डेली 4 से 5 मिलियन व्यूज आता है। वो डेली इसलिए डालते हैं, अगर वो भी छोड़ दिए ना तो उनका भी 4 से 5 मिलियन छोड़ करके 2 से 3 मिलियन पे आ जाएगा, और ये हकीकत है।
चलो दोस्तों, आप लोग कौन कौन मानते हो मेरा इस बात से। और आज से दोस्तों, अगर आप लोग को YouTube का डिप्रेशन खत्म करना है तो दोस्तों कंटिन्यू वीडियो बनाना स्टार्ट करो और कमेंट करके बताओ कि मेरा इस वीडियो को देखने के बाद अपना कौन कौन अपने चैनल पर अब कंटिन्यू वीडियो बनाना स्टार्ट करोगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपका बहुत काम आएगा। एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कुछ तबाही धमाकेदार लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।